क्या आपको पता है शैम्पू और क्रीम की डिब्बियों का कलर चेंज करके कंपनियां लड़कियों को बेवकूफ बनाती हैं? क्या आपको यह पता है कि चॉकलेट और चिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं? कंपनियां हर साल इन्हें कुछ ग्राम कम कर देती हैं और प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं करती, और वो इसे आपको बगैर बताए करती हैं। हाय गर्ल्स, आज की वीडियो में आपको मेरी कुछ बातें चुभ सकती हैं, पर मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चाई बताऊंगा, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टैक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल की मॉडर्न लड़कियों को कंपनियां कैसे लूटती हैं और कैसे टोपी पहनाती हैं। भैया, आज तो लड़कियों की तरफ से भर भर के डिसलाइक आएंगे। चलो देखते हैं। नंबर वन, दोस्तों अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को अलग ही लेवल पर लूटा जाता है। लड़कियों को वो प्रोडक्ट्स पकड़ा दिए जाते हैं जो असल में कुछ करते ही नहीं है, जिन्हें कहा जाता है एंटी एजिंग क्रीम। सुबह ये लगानी है, दोपहर को ये लगानी है, शाम को ये लगानी है, रात को ये लगानी है, नहाने से पहले ये लगानी है, नहाने के बाद वो लगानी है। बैंड के टकों ने लड़कियों को लूटने का धंधा बना रखा है। और हैरानगी की बात तो ये है कि लड़कियां इन कंजरों के ऊपर विश्वास भी कर लेती हैं। अभी फंडा क्लियर करता हूँ, आजकल की कंपनियां लड़कियों के जज्बातों को टारगेट करती हैं और उन्हें महंगे दामों पर मॉइस्चराइजर बेच देती हैं। क्या बात है। तो चलो मैं आपको कुछ मॉइस्चराइजर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मॉइस्चराइजर स्किन की ड्राइनेस को कम करता है और ये कंपनियां आपके साथ तोड़ मरोड़ का तरीका इस्तेमाल करती है ताकि आपको लगे कि वो कंपनियां क्रीम नहीं खजाना बेच रही हैं, पर वास्तव में आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर ही बेच रही होती हैं। और कंपनियां आपको जो भी घुमा फिरा के बताती हैं, जो भी तोड़ मरोड़ के बताती हैं, जैसे कि इनकी इनके क्रीमों के ऊपर लिखा होता है दीज इम्यूलेंट्स आर, पता नहीं क्या लिखा है, खुद पढ़ लेना यार, इतना तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है साला, देखने वाले को लगता होगा पता नहीं क्या डाल दिया। पर सभी छोरियों को मैं बताना चाहता हूं, अभी जो मैंने ये लाइनें पढ़ी ब्ला 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 जो भी पढ़ा मैंने, अगर इसे इंग्लिश टू इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है दिस लोशन एंड क्रीम कंटेन वाटर एंड मॉइस्चराइजर। अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है इस क्रीम के अंदर मॉइस्चराइजर और पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो साला इतनी घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है इन कंपनी वालों को। एक स्टडी के मुताबिक एंटी एजिंग क्रीम वो काम करती ही नहीं है जैसा वो बताती है। परफेक्ट से भी परफेक्ट निखार कैसे मिलेगा, जानना चाहोगी? नंबर वन, ये क्रीम आपको 7 दिन के अंदर गोरा कर देती है और ये बेचारे तो ऐसे ही बैठे हैं। नंबर दो, ये क्रीम आपको जवान रखती है। ऐसा करो, हॉस्पिटल में दवाइयों को गटर में फेंको और फेस क्रीम रखना शुरू कर दो। एक स्टडी के मुताबिक 98% एंटी एजिंग क्रीम वालों के दावे झूठे और बकवास होते हैं, पर हाँ इसे जुटला नहीं सकते हैं कि इन क्रीमों की वजह से चेहरा अच्छा भी नजर आता है। पर क्यों? क्योंकि इस क्रीम के अंदर मॉइस्चराइजर है जो कि स्किन की झुर्रियों को बेहतर करने में मदद करता है और स्किन सेल्स को वेट रखता है, जिससे हमारी त्वचा अच्छी नजर आती है। पर इसमें कौन सा बड़ी बात है, वो तो कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी मॉइस्चराइजर कर सकता है। एक सच्चाई की बात बताऊं, 10-20 रुपए वाला मॉइस्चराइजर भी उतना ही काम करेगा, उतना ही काम करेगी क्रीम जितना कि एक 100-200 रुपए वाली करेगी। तो क्यों आप अपने इतने पैसे बर्बाद करते हो? पर एक और बात, पर जैसे ही मॉइस्चराइजर का इफेक्ट खत्म होता है तो त्वचा फिर से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। पर इन क्रीमों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। असल में ये क्रीमें आपकी बढ़ती हुई एजिंग प्रोसेस को और भी बढ़ा सकती हैं। एक्चुअली हमारी स्किन के सेल्स की अपनी साइकिल होती है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने वाले झड़ जाते हैं, उसकी जगह नए आ जाते हैं। कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए नए सेल्स की प्रोडक्शन को इनहेंस करती हैं और ऊपर वाले सेल्स को झाड़ देती हैं, जिससे आपकी स्किन आपको सिल्की और स्मूथ दिख और ऊपर वाले सेल्स को झाड़ देती हैं, जिससे आपकी त्वचा और भी स्मूथ और सिल्की सी नजर आती है। लेकिन वो आपकी बॉडी के खुद के ही सेल्स होते हैं जिसमें इन कंपनी वालों का, इन क्रीमों वालों का कोई लेना देना नहीं है। जो भी करती है आपकी बॉडी खुद करती है, पर फिर भी लड़कियां क्रेडिट देती हैं इन क्रीम वाली कंपनियों को। क्या आपको पता है अगर आप ऐसी क्रीमों को लगाकर सूरज के नीचे जाते हो तो सूरज की किरणें और इन क्रीम के केमिकल्स आपस में मिलकर आपकी एजिंग प्रोसेस को और भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी त्वचा जल्दी बूढ़ी हो सकती है। रंग बिरंगी डिब्बियां और खुशबू को चेंज करके ये कंपनियां लड़कियों को टोपी पहना जाती हैं। नंबर दो, कुछ कंपनियां कलर को चेंज करके ही लड़कियों को ठग लेती हैं, मतलब रंग चेंज करके कंपनियां मर्दों के मुकाबले उसी प्रोडक्ट को ज्यादा कीमत में लड़कियों को चिपका देती हैं। एक मशहूर रेजर ब्लेड के बारे में पता चला कि वो पिंक कलर का रेजर ब्लेड 500 रुपए में बेच रही हैं लड़कियों को, हालांकि वही रेजर मर्दों को किसी और कलर में सिर्फ 380 रुपए में मिल रहा था। सेम ब्रांड सेम रेजर, पर फर्क था सिर्फ रंग का। और तो और लड़कियों को शेविंग जेल भी 70% बढ़ाकर बेची जाती है। चलो अब चॉकलेट और चिप्स की बात कर ली जाए।
चॉकलेट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, वो भी आपको बिना बताए। हर साल चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां थोड़ा थोड़ा कम कम करके आपको चॉकलेट कम दे रही हैं पहले के मुकाबले। और चॉकलेट बनाने वाली कंपनी वालों का कहना है कि अगर चॉकलेट का साइज आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए तो हमारे जैसे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और जब कंपनी वालों से ये पूछा जाता है कि सालों तुम चॉकलेट का साइज क्यों कम करते हो, तो ये कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ कैंपेन वाले हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर डालते हैं कि चॉकलेट में शुगर होती है, ज्यादा होता है, बंदा बीमार हो सकता है। चलो ठीक है, तो सालों बहन के टको प्राइस भी तो कम करो। साला जब प्राइस की बात आती है तो कोई भी नहीं बोलता। चॉकलेट कम होती है, प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। साले आए पब्लिक हेल्थ कैंपेन वालों का बहाना लेके। 2008 में स्नीकर का वेट 62.5 ग्राम होता था, जो घटकर अब सिर्फ 50 ग्राम रह गया है। सिर्फ स्नीकर ही नहीं बल्कि सारी कंपनियां ऐसे ही लूटती हैं। आज के बाद चॉकलेट खाना बंद। ये सिर्फ चॉकलेट के साथ ही नहीं बल्कि चिप्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हर साल चिप्स कम होते जा रहे हैं और फोकट में अपने पैकेट में हवा और भर देते हैं। साला हवा से क्या छाती फुलाएं? चलो और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, पर इस वीडियो को आग की तरह फैला दो हर तरफ। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। आज की वीडियो का लाइक एम है 78,000 लाइक्स। बादल गज रहे हैं, अरे बाप रे। आज की वीडियो का लाइक एम है 78,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। और लास्ट में बताता जाऊं कि मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा लाइव आता रहता हूं, तो जाओ मुझे फॉलो कर सकते हो। नीचे कहीं देखो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, नीचे कहीं देखो, जाओ फॉलो करो, हमारे साथ जुड़ जाओ। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।